तो आप लोग ये बता दें कि पहले तो ये बता दिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑप्शनल हिंदी जिनका है, मतलब जिनके ऑप्शनल हिंदी लेने की योजना है, और मतलब आज की जो क्लास होगी वो ऑप्शनल के लिए होगी या सामान्य अध्ययन के लिए होगी, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, उस हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सर ऑप्शनल सारे लोग ऑप्शनल के ही हैं, जी मतलब सर हिंदी ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्ट करने वाले? अच्छा सर ऑप्शनल के लिए ही है सभी लोग। अच्छा ठीक है। तो और ये सबसे जरूरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले तो ये पता चल जाए कि कितने लोगों ने कि पहले से जिनके हिंदी से हिंदी विषय में पढ़ाई हुई है या हिंदी विषय रहा है ग्रेजुएशन के दौरान या और उसके बाद भी, तो जो लोग हिंदी विषय पढ़ते रहे हैं उनके उनसे अलग तरीके से बात होगी, और जो लोग सिर्फ सिविल के लिए हिंदी विषय चुन रहे हैं उनके उनसे अलग से, क्योंकि तो उनको बेसिक से बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। तो पहले तो यही बता दीजिए कि कितने लोगों ने हिंदी विषय पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में। हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी। सर मैंने पहले एकेडमिक में तो नहीं पढ़ा है कभी हिंदी साहित्य, लेकिन अभी 2021 वाला मेंस दिया अच्छा, जब आपने 21 वाला मेंस दिया होगा तो उसमें तो हम लोग बातचीत किए होंगे। जी फिर बात हुई थी, कॉपीज भी भेजी थी हमने आपको चेक करने के लिए। जी 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 और कोई बता दे, एक आध लोगों का नाम तो मैं पहचान रहा हूँ, जैसे विजय लक्ष्मी है, ये पिछले क्लास में रही है। कोई और बता दीजिए कि जिनका सब्जेक्ट रहा हो या नहीं रहा हो, 12th तक हिंदी रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिनका हिंदी सब्जेक्ट रहा है उनके लिए बेसिक्स क्लियर होंगे, तो उनके उनके लिए इस BA MA सरिता, तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या MA हिंदी से किया है उनके लिए जो आपका सिलेबस है हिंदी ऑप्शनल का, उस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें, लगभग बहुत क्या लगभग सारी ही चीज़ें, तो मतलब भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें MA का जो सिलेबस होता है वो सारा ही आपके इस ऑप्शनल के सिलेबस में कवर है। मतलब कोई ऐसा नहीं, जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का इतिहास, तो ये एक तरह का ये कह सकते हैं कंपलसरी पेपर होते हैं ग्रेजुएशन और PG के दौरान। जैसे जिन लोगों ने भाषा विज्ञान पढ़ी होगी, MA में हर विश्वविद्यालय में एक पोर्शन भाषा विज्ञान का तो होता ही है, तो जिन लोगों ने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा उनको ये राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा की क्या कानूनी प्रावधान है, राष्ट्रभाषा राजभाषा के क्या प्रावधान है, ये सब पढ़ा होगा, या पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो जितने लोगों ने नगेंद्र की किताब पढ़ी होगी BA MA में, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब जिन्होंने पढ़ी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने पढ़ा होगा, तो उन सबको पाली प्राकृत अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी, इसका क्या क्लासिफिकेशन है ये आपको पता चल गया। मतलब ये तो अनिवार्य तौर पर पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से ब्रज भाषा और अवधी का विकास कैसे हुआ, मतलब हम जैसे मोटे तौर पर हम यही पढ़ते हैं कि भक्ति काल में सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और तुलसीदास की जो भाषा है, तुलसीदास में भी तो रामचरितमानस है, उसकी भाषा अवधी है। इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं
उसकी भाषा अवधी है। तो अवधी और ब्रज भाषा का जो अंतर है, मतलब जब आप पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी का विकास जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें हिंदी के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी मैथिली, भोजपुरी, मगही, पूरा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, जितने प्रकार की हिंदी है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, उन सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया जाता है। उसका विकास कैसे हुआ, ये आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल लेने जा रहे हैं, पिछले बार भी मैंने सबको यही बात कही थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि काम की चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। काम अपने जो मतलब सार है, बस वो पढ़ना चाहिए, फैक्ट्स पढ़ना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर की डिटेलिंग करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब आप प्रिपरेशन में जाएं सिविल सर्विसेज में, तो आप एक मिनिमम टाइम लेके जाते हैं। वो मिनिमम टाइम आपको क्यों चाहिए, साल, 1 साल या 2 साल एडवांस में टाइम, लोग ये कहा जाता है कि आप लेके जाएं और पहले से तय करें कि आपको क्या चुनना है, किस रास्ते पर जाना है, क्या विषय लेना है। ये एडवांस टाइमिंग इसलिए कही जाती है क्योंकि आप जो बेसिक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुनते हैं, अगर बीच में किसी को कोई सवाल करना होगा तो आप हैंड रेज करके सवाल कर लीजिएगा, और अपने हिसाब से कोई और बात कहनी होगी तो बीच में आप बोल सकते हैं। अभी ये खुला मंच है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आप लेते हैं, तो ये माना जाता है कि आप पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी बारीकियां हैं, उनको जाने बगैर आप सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को परीक्षा में, मतलब प्रश्न उसके कैसे पूछे जाते हैं और उसका क्या एरिया है, सिलेबाई क्या है, बस इस आधार पर आप उसको तैयारी करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, समय भी लगता है और अटेम्प्ट ज़्यादा आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप बेसिक्स को पहले क्लियर कर लें। हिंदी साहित्य में भी यही मामला है। हिंदी हम बचपन से पढ़ते हैं, जो लोग प्रोविजनल बोर्ड से पढ़ते हैं, स्टेट राज्य के बोर्ड से पढ़ते हैं, उनको भी बचपन से पढ़ना पड़ता है। CBSE, ICSE वाले भी उसको, हिंदी को भले ही व्यर्थ समझें, लेकिन उसको, उनको भी पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है ग्रेजुएशन के बाद। आपको स्पष्ट हिंदी में क्या पढ़ना है ये आपको तभी पता चल पाता है, क्योंकि आप स्कूलिंग के दौरान कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, सरल कहानियाँ, सरल कविताएं, प्रेमचंद को पढ़ते हैं, सुमित्रा नंदनपंत की कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी भी कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये पता चलता है BA में जाकर, ग्रेजुएशन, और उसके बाद PG में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है UPSC का, ऑप्शनल का, बहुत ही सामान्य सिलेबस है। इसीलिए मैंने कहा कि जिन्होंने हिंदी में MA किया होगा उनको सिलेबस बहुत ही साधारण सा सिलेबस लगेगा। जो लोग UGC नेट वगैरह दिए होंगे हिंदी से, उनके लिए और ज़्यादा इजी एक तरीके से लग जाएगा सिलेबस। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज हम लोग मोटे तौर पर जो इसके, अच्छा अभी तक जितनी बात हुई है, इसी में किसी को कुछ बात रखनी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे आपके क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शंस है उस पर मैं आऊँगा। अभी किसी को कोई सवाल रखना है, कुछ अपनी तरफ से बोलना है तो बोल दीजिए, कुछ शंकाएं हो तो बात कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे भी फीडबैक मिल जाएगा कि मेरी बात सही दिशा में जा रही है। बताइए भाई, कोई बताए, सब म्यूट करके, वीडियो माइक ऑफ करके चले गए क्या बाहर?
ठीक है सर, आगे पेपर डिस्कस कर दीजिए, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। तो सिलेबस तो आप सबने देखा ही होगा। जी सर, पहला सिलेबस जो है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, मतलब ये पेपर है, इसमें लिटरेचर नहीं है, इसमें साहित्य पर नहीं आया गया है, इसमें यह है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और हिंदी भाषा के विकास और नागरी लिपि का इतिहास, ये दोनों ही चीजें इसमें हैं। यानी भाषा कैसे आती है, लिपि कैसे आती है और आधुनिक काल में उसका मानकीकरण कैसे होता है, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है। यानी हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से आई है, तो पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर पाली से अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे करते हुए हिंदी का विकास है। वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो हिंदी भाषा का विकास ऐसे हुआ, लगभग 1000 सालों का हिंदी भाषा का इतिहास है, 950 ईस्वी या कुछ इतिहासकार 1000 ईस्वी से मानते हैं कि जो हिंदी का जो सबसे प्राचीन प्रारंभिक स्वरूप है वो 950 ईस्वी 1000 ईस्वी के आसपास आया है। तो उस लिहाज से लगभग लगभग 1000 सालों का हिंदी हिंदी भाषा का अपना इतिहास है, जिसमें भक्तिकालीन साहित्य यानी निर्गुण सगुण की पूरी रचनाएं हैं, सूफी काव्य है, उसके पहले वीर गाथा का काव्य है, पूरा जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और सिद्धनाथ साहित्य, ये सब ऐसे हैं जो प्राचीन काल से लेकर अब तक, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के अब तक जो खड़ी बोली का, ये हम लोग जो किस भाषा में बात कर रहे हैं खड़ी बोली, तो ये पूरा एक लंबा इसका इतिहास है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग बोलियां हैं, भाषा और बोली का अंतर पहले समझना होगा कि भाई भाषा एक बड़े भूभाग की बोली है का मतलब प्रतिनिधित्व करता है, और उसके छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उसमें बोलियां होती हैं जो उस बड़ी भाषा के अंतर्गत अलग अलग उसके रूप होते हैं। तो पूर्वी हिंदी यानी कि मैथिली से शुरू करिए, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उसके बाद पश्चिमी हिंदी यानी उसमें जितने आपके राजस्थानी हिंदी है और कश्मीर की हिंदी है, जितने भी गुजराती हिंदी है, वो सारे मध्य भारत की हिंदी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये सारे मिला करके हिंदी भाषा का एक स्वरूप बनता है। तो अब स्थिति समस्या मानकीकरण की आती, मानकीकरण मतलब कि एक स्टैंडर्ड क्या होगा। जैसे हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं बचपन में, मात्राएं डिसाइड होती हैं, क का की 12 खड़ी क्यों पढ़ाई जाती है, 12 खड़ी एक मानकीकरण का प्रारंभिक रूप है। यानी किसी एक ध्वनि के लिए मात्रा निश्चित कर दी जाती है, पहले ऐसा नहीं था। जब भाषा अविकसित रूप में होती है तो उसका रूप भी बिखरा हुआ होता है, उसका कोई अलग कोई एक मानक नहीं होता है। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। यानी फिर नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि जिसमें हम लिखते हैं क, प, ग, ये लिपि सिर्फ एकमात्र लिपि नहीं है। हिंदी लिखने की बहुत सारी लिपियां हैं, खरोष्टी लिपि अलग है, ब्राह्मी लिपि अलग है। लिपि मतलब मैनुस्क्रिप्ट जिससे हम लिखते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो चिन्ह होते हैं। तो एक तो भाषा का विकास, दूसरे लिपि का विकास, और किस समय आकर के देवनागरी लिपि यानी जो आज हम क, ख, ग लिखते हैं, वो गुजरात के एक रियासत की, एक खास इलाके की, वो राजकोट के इलाके की एक लिपि थी जिसको कि देवनागरी लिपि को फिर पूरे हिंदी की एक लिपि मान ली गई, बनाया गया धीरे धीरे। तो लिपि का मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण, फिर संविधान, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का बहुत इस्तेमाल हुआ, फिर ये तय हुआ कि भारत की राजभाषा, राजकाज की भाषा, कामकाज की भाषा हिंदी हो, फिर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का विवाद हुआ। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन आपको उसका मानकीकरण पढ़ना है कि फिर संविधान में हिंदी किस अनुच्छेद में रखी गई, हिंदी को लेकर क्या प्रावधान किए गए, सारी चीजें आपको इसी में पढ़नी है। देवनागरी का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता यानी देवनागरी लिपि की क्या वैज्ञानिकता है, वो सब हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मात्राएं होती हैं, उसमें साइलेंट नहीं होता, जैसे अंग्रेजी में साइलेंट होते हैं, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, एक चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि है, ये सारी विशेषताएं, ये सब आपको पढ़नी है। मैं एक पेपर्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। अब इसमें यह है कि आपको दो किताबें
इसके लिए पढ़नी बहुत जरूरी है। जो आपका पहला सेक्शन है उसके लिए दो किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग चाहे नोट कर लीजिए और लाइब्रेरी से और मंगा के जैसे भी इन किताबों को जरूर पढ़िए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली किताब है भोलानाथ तिवारी की राजभाषा हिंदी, और दूसरी किताब है हरदेव बाहरी की भाषा विज्ञान, डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये दो राइटर्स की किताब है जिसमें आप इन दोनों किताबों से आपका पहला सेक्शन कवर हो जाएगा। इसी में हिंदी शब्द संपदा है, तो हिंदी में शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे निर्मित होते हैं, और शब्द संपदा में आप लोगों को आए मतलब रोजमर्रा के जीवन में जितने शब्द इस्तेमाल होते हैं ज्यादा से ज्यादा शब्दों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये आपका पहला सेक्शन कवर हो जाएगा। मैं किताब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं जो जिस तरीके से मैं बताता हूँ, मेरा तरीका ये कि मैंने चूंकि कभी सिविल की तैयारी नहीं की है, सिविल का जो ठोस बिल्कुल कैप्सूल का तरीका होता है उससे अलग आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए ये किताबें इन किताबों के बीच से जरूर गुजरना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अब दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा मतलब इसी में आपके लिए बुक कौन सी है रिपीट कर दीजिए। पहली किताब है राजभाषा हिंदी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, तो उसमें उन्होंने हिंदी लिपि का विकास और पूरे राजभाषा के क्या क्या प्रावधान है, आपका पहला सेक्शन का मेजर हिस्सा भोलानाथ तिवारी की किताब में। दूसरी किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी, भाषा विज्ञान नाम की किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी, तो इसमें क्या है कि आपको हिंदी के जितने भी खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ, उसके क्या क्या अलग अलग वो है पार्ट है, वो उसमें बहुत सारी चीजें काव्य शास्त्र की चीजें भी मिल जाएंगी, यानी आपको जो और जीएस के जो पेपर हैं जिसमें संक्षेपण वंक्षेपण बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, लोकोक्ति मुहावरे, उसका भी बहुत सारा संकेत आपको हरदेव बाहरी और दोनों किताबों में मिल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आपका पोर्शन है, इसको तो आप इसको कहते हैं कि सबसे मजबूती से हिंदी साहित्य का इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लिखा जाता है, लिखा गया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की लंबी परंपरा है। सब लोग जानते हैं कि पहला इतिहास व्यवस्थित इतिहास लिखने की शुरुआत जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी, मतलब व्यवस्थित इतिहास, उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं आपको मिल जाएंगी जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता यानी सब मध्य युग में ये सब चीजें लिखी गई थी, भक्तमाल नाम की एक किताब लिखी गई थी जिसमें कि कवियों का परिचय वरिचय दिया गया है, या 84 वैष्णवन की वार्ता यानी 84 कवियों के बारे में उसमें जिक्र किया गया था, ये सब पुरानी किताबें, लेकिन उसमें कभी व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखने का जो पैटर्न होता है वो उसमें कभी फॉलो नहीं किया गया। और उसका पहला प्रयास 1700 के आसपास जॉर्ज ग्रियर्सन नाम के एक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, और वो किताब फ्रेंच लैंग्वेज में थी, और उसके बाद फिर मिश्र बंधु नाम से आए, फिर बाद में और भी लोग आए, और रामचंद्र शुक्ल की किताब इसमें सबसे, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और इसलिए हिंदी में तैयारी करने वाले हर छात्र के पास रामचंद्र शुक्ल की किताब अवश्य होनी चाहिए। उस किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह किताब ऐसी है जो हिंदी विषय के से परीक्षा देने वाले या उसके उससे उसको पढ़ने वाले हर छात्र के बैग में जरूर होनी चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने सबसे व्यवस्थित तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपके इस पूरे पोर्शन का हर सवाल का जवाब हिंदी रामचंद्र शुक्ल की किताब में है। एक दो किताबों का नाम मैं और बताऊंगा हिंदी इतिहास के लिए, लेकिन फिलहाल आप रामचंद्र शुक्ल की किताब जरूर ले लीजिए, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन,
और नामकरण किस आधार पर हुआ, जैसे काल विभाजन और नामकरण में रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, तो ये सब क्यों कहा इसके बारे में उन्होंने सारे डिटेल दिया है कि चूंकि आदिकाल में वीर गाथाएं ज्यादा लिखी गई, राजा आपस में लड़ते रहते थे और दरबारी कवि होते थे, वो जाते थे राजाओं के साथ युद्ध में और उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके राजाओं का वर्णन करते थे वीरता का, तो वीर गाथा हो गई इसलिए उसको वीर गाथा काल कहा गया। फिर भक्त पूर्व मध्य काल में भक्त कवि ज्यादा आए, सूरदास तुलसीदास से पहले कबीर जायसी रैदास ये सब लोग रहे, फिर बाद में निर्गुण सगुण ये सारी चीजें, तो वो भक्ति काल आ गई। फिर उसके बाद रीति काल यानी दरबारी कवियों ने श्रृंगार की रचनाएं लिखना शुरू कर दिया तो उसको रीति काल कहा, क्यों कहा ये सारी बातें आपको डिटेल में उसको समझ आ जाए। तो काल विभाजन किस आधार पर होता है और नामकरण किस आधार पर होता है, यानी अगर किसी काल को वीर गाथा काल कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, उसका डिटेल रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और आगे चल के रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उस पर तो कोई बहस नहीं है, उस पर कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है कि कब से कब तक माना जाए, यानी जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 950 से लेकर 1350 ईस्वी तक वीर गाथा काल है, 1350 ईस्वी से लेकर 1650 तक भक्ति काल है और उसके बाद 1850 तक रीति काल है, 1850 के बाद आधुनिक काल शुरू होता है, एक मोटा मोटा विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो टाइमिंग पर ज्यादा बहस नहीं है लेकिन नामकरण पर बहस है। जैसे राहुल सांकृत्यायन नाम के हिंदी के लेखक हुए, उन्होंने वीर गाथा काल पर सवाल उठाया कि वीर गाथा काल इसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि सिर्फ वीर गाथा काल वीर गाथा नहीं लिखी जा रही थी, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि सिद्ध साहित्य लिखा जा रहा, सिद्ध सिद्ध एक एक तरह के योगी साधु हुआ करते थे उस जमाने में जो बौद्ध धर्म से निकले थे, तो सिद्धों की बहुत सारी रचना, इसीलिए हिंदी का जो पहला आधुनिक हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है सरहपा, तो सरहपा का जो की जो भाषा है वो मतलब आधुनिक जो पुरानी हिंदी का जो पहले स्वरूप थी उससे मिलती जुलती है, इसलिए सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। तो वो कहते हैं कि चूंकि सिद्ध साधु थे और बहुत सारे सिद्धों ने उस समय रचनाएं लिखी थी इसलिए उसको सिद्ध सामंत काल कहना चाहिए, यानी सामंत यानी राजाओं का काल था और सिद्धों का काल था, दोनों को मिला के उन्होंने कहा कि सिद्ध सामंत काल है। तो नामकरण कैसे होता है, नामकरण के पीछे क्या प्रक्रिया है, ये सब चीजें आपको उस किताब में मिल जाएंगी। अब उसके बाद आदिकाल भक्ति काल रीति काल आधुनिक काल, इसकी प्रमुख प्रवृत्ति जैसे मैंने संक्षेप में आपको प्रवृत्तियां बता दी, आदिकाल में क्या था भक्ति काल में क्या था, तो इस चीज को डिटेल में। अब जैसे भक्ति काल में बहुत अलग अलग विभाजन है, जैसे मैंने बताया कि भक्ति काल में मोटे तौर पर विभाजन दो हैं, सगुण और निर्गुण, यानी जो लोग सगुण ईश्वर को मानते थे राम कृष्ण को मानते थे वो सगुण कवि माने गए सूरदास और तुलसीदास, जो लोग निराकार ईश्वर को मानते थे वो निर्गुण कहे गए जिसमें कबीरदास रैदास, और निराकार में भी दो हो गए उसमें ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी, तो ज्ञान के जरिए ईश्वर को पाना चाहते तो वो ज्ञान मार्गी हो गए उसमें कबीरदास हैं, प्रेम मार्गी यानी जो प्रेम के जरिए ईश्वर में को प्राप्त करना चाहते तो वो प्रेम मार्गी हो गए, तो जैसे जायसी जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है तो उसका विभाजन क्या है। इसी तरह सगुण में राम भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा, और कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा के अलग अलग रूप है, उसमें सबसे ज्यादा विभाजन है कृष्ण भक्ति धारा में, यानी कृष्ण भक्ति धारा एक ऐसी धारा है जिसमें मथुरा से लेके बंगाल तक अलग अलग तरह के उसमें संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अलग अलग तरह के उसमें कवि और भक्त आए विचारक आए और उन्होंने उसको अलग अलग रूप दिया। जैसे अष्ट छाप के कवि मथुरा में स्वामी वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, तो उन 8 शिष्यों ने कृष्ण भक्ति की अलग अलग धाराएं विकसित की, उसमें सूरदास एक है, तो इस तरीके से उसको भी आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा ताकि इस पर कभी कोई निबंध आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है कि आप विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में लिखिए या वल्लभाचार्य की जो परंपरा है अष्टछाप की उसके बारे में व्याख्या कीजिए, तो उसमें फिर आपको बताना पड़ेगा।
ये सब चीजें आप, एक किताब है रामचंद्र शुक्ल की जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रगतिवाद तक मिलेगी, और क्योंकि उसके बाद फिर प्रयोगवाद वगैरह नई चीजें हैं, नई कविता, ये सब नई चीजें हैं, तो इसके लिए आपको दूसरी किताब पढ़नी पड़ेगी। और उसके लिए किताब है हिंदी साहित्य स्वरूप और संवेदना का विकास, इसके लेखक है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य की इतिहास के लिए दो किताबें आपको इम्पोर्टेंट है, वो जरूर पढ़ जाइए, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य स्वरूप और संवेदना का विकास। तो ये जो दूसरी किताब मैं बता रहा हूँ राम स्वरूप चतुर्वेदी वाले, उसमें आपको ये नीचे के जितने हैं चौथे पॉइंट के, जैसे हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, रंगमंच, सब उसमें मिल जाएगा। हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र संस्करण, वो सब चतुर्वेदी जी की किताब में मिल जाएंगे। और हिंदी आलोचना का, आलोचना मतलब ये हिंदी, जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं वो तो समझ रहे होंगे, जो हिंदी के नहीं है, कुछ बीकॉम वोकॉम किए लोग हैं, तो आलोचना भी हिंदी में एक विधा है। यानी कोई आदमी कविता लिखता है, एक आदमी कविता लिखता है तो एक आदमी उस कविता की आलोचना करता है, यानी उसकी अच्छाई बुराई गुण दोष बताता है, उसको आलोचना कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में आलोचना की एक लंबी परंपरा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल से लेकर वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, रामविलास शर्मा, राममोहन सिंह, ये सब हैं। तो इन सब का परिचय उसमें आपको मिल जाएगा, इनकी क्या क्या अलग अलग सोच है, क्या क्या विचारधारा है, किसने किस पर काम किया है, तो इन सारे लोगों के बारे में आपको संक्षिप्त सामान्य जानकारी मिल जाएगी जो आपके काम की है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये जरूरी चीज है, और इसके लिए दो इम्पोर्टेंट किताबें मैंने आपको बता दी, बाकी नोट्स वगैरह जहाँ से आपको मिल जाए वो ले लीजिए, और बाकी मुझे मौका मिलेगा इस विषय में पढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज के जरिए, तो मैं आपको इसमें और डिटेल चीजें बता दूंगा। तो यहाँ तक ओके है, तो आप ओके लिख करके भेज दीजिए, अब मैं आता हूँ सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर के बारे में किसी को कुछ और जानना हो तो आप बात कर सकते। अच्छा, अब आ जाइए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट। अब ये जी फर्स्ट पार्ट में क्या है सेकेंड पेपर में, कि जो आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चीज आपने पढ़ा, यानी सेकेंड फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट में, आप इसको ऐसे समझिए कि वो थ्योरी थी और ये प्रैक्टिकल है। मतलब अगर आप टेक्निकल तरीके से सोचना चाहें तो आप ऐसे समझिए फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपने पढ़ा वो एक तरह की थ्योरी थी, और अब आप सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके लिए एक तरह का प्रैक्टिकल है। यानी कि इसमें 50 पद पढ़ने हैं आपको सूरदास के भ्रमर गीत सार से, यानी 50 पदों की व्याख्या आती है आपके यहाँ इसकी, मतलब यहाँ से सूरदास में से भ्रमर गीत से 50। अब भ्रमर गीत किसे कहते हैं, इस आप में से कितने लोग जानते हैं भ्रमर गीत क्या रचना है? जो लोग हिंदी के होंगे उनको पता होगा, मैं आपका समय बचाने के लिए ज्यादा पूछताछ नहीं करता हूँ, बस इतना बता देता हूँ। जैसे भ्रमर गीत, हाँ बताइए बताइए स्वतंत्र जी बताइए। बोलिए स्वतंत्र जी, माइक ऑफ ऑन करके बोलिए। हाँ सर अभी लाइब्रेरी में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, अच्छा मैं जितना, सुन रहा हूँ। जी अच्छा, नहीं आपने हाथ उठाया तो मुझे लगा बोल। सर, भ्रमर गीत सार में कृष्ण को भावरे का प्रतीक मान के उनकी जो भ्रमर प्रवृत्ति है उसके बारे में उनका वर्णन है। कृष्ण को भंवरे का प्रतीक मान लिया? जी सर नहीं, कृष्ण को तो नहीं माना। खैर चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए भ्रमर गीत जो है, सर, गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ था उसका जो है संकलन किया गया है भ्रमर गीत सार में। हाँ, असल में सूर सागर नाम की एक पूरी किताब है, सूरदास ने एक सूर सागर नाम की एक किताब लिखी जिसमें कृष्ण लीलाओं का पूरा वर्णन, जैसा मैंने सूर, जैसे प्रैक्टिकल ये है, थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ा था कि वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में से एक शिष्य थे सूरदास, जिन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का विशेष तौर पर वर्णन, मतलब कृष्ण के वहां क्या नाम है मथुरा जाने से पहले तक, यानी ब्रज में जब तक वो रहे,
तो उनकी बाल लीलाओं पर उनका ज्यादा फोकस है। जैसे आप कृष्ण के अलग अलग भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं कृष्ण की बाल लीला का ज्यादा चर्चा होती है, कहीं कृष्ण के साथ राधा का जो संयोग है उसकी ज्यादा चर्चा होती है। इसीलिए कुछ लोग राधे राधे कहते हैं, कुछ लोग राधे कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग केवल कृष्ण कहते हैं, तो वो अलग अलग परंपरा है। तो सूरदास ने जो सूर सागर में कृष्ण के मथुरा जाने से पहले तक के जितना भी उनका मतलब पहले और मथुरा जाने के बाद जो संदेश उन्होंने भेजा, यानी महाभारत में उनके शामिल होने से पहले तक का जितना भी उनका जीवन चरित्र है सूर सागर में डिटेल में है, तो उसमें एक सेक्शन है भ्रमर गीत। यानी भ्रमर गीत वो सेक्शन है जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो ये पता चलता है कि ब्रज में जितने भी वहां पेड़ पौधे से लेके गाय भैंस से लेके इंसान तक सब दुखी हो गए, और विशेष करके गोपियां दुखी। गोपियां मतलब जिन लोगों के साथ वो अपना गाय वाय चराने जाते थे, जो दास लीलाएं तथा कथित हैं वो सब करते थे। तो ऐसा जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उद्धव यानी जो उनके अपने सहयोगी थे मित्र थे उनको ज्ञान उनको योग सिखाने के लिए कि अब आप कृष्ण पे मन न लगाइए, आप योग साधना कीजिए, उस नाम उस संदेश को लेकर के भेजा इनके पास गोपियों के पास ब्रज में। तो उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ है उस संवाद में जो संवाद क्या है झगड़ा है, उद्धव ने उनसे कह दिया कि भाई आप कृष्ण को भूल जाओ, तो उसके बदले में गोपियों ने उन्हें जो कुछ भी सुनाया वही है भ्रमर गीत। और भ्रमर मतलब भंवरा इसलिए है क्योंकि चूंकि उद्धव कृष्ण के मित्र थे तो सीधे सीधे वो उद्धव को मतलब बड़ा बुरा भला नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने वहां जो मौजूद भंवरे थे आसपास उनको इशारा उनको मतलब उलाहना देते हुए उनको इशारा बनाकर उद्धव को ये बातें सुनाई। तो अब जैसे हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ इतनी बात नहीं है, क्योंकि साहित्य पुराने जो थे जितने संत भक्त कवि थे वो देखने में जितने सिंपल लगते हैं उतने सिंपल होते नहीं, उनका उनका निशाना बहुत दूर तक होता है। तो जो भ्रमर गीत है ये भ्रमर गीत बेसिकली यही है कि उस समय ये निर्गुण और सगुण के बीच का झगड़ा भी निपटाया गया है इसमें। यानी उस समय सूरदास के पहले भारत में निर्गुण परंपरा में बहुत तेजी से लोग जा रहे थे, और निर्गुण परंपरा क्या थी कि एक सगुण भक्ति यानी देवी देवताओं की भक्ति छोड़ करके लोग एक आध्यात्मिकता निराकार ईश्वर की तरफ जा रहे थे, और इसी बात को लोगों को सगुण की तरफ लाने के लिए बहुत सारे प्रयास उस समय सगुण भक्ति के कवियों के जरिए हो रहे थे। तो अब जैसे भ्रमर गीत में क्या है कि वो कहते हैं वो आके समझाते हैं कि तुम कृष्ण में मन लगाने की बजाय अब योग करो, योग में मन लगाओ, यानी किसी निराकार ईश्वर में मन लगाओ। इसीलिए बहुत फेमस पंक्ति आती है उद्धव जोग जोग हम नाही, कि उद्धव से गोपियां कहती है कि हम योग के लिए नहीं है, योग के योग्य अब हम नहीं बचे हैं, क्योंकि हम तो कृष्ण से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, यानी सगुण और निर्गुण के बीच के झगड़े में सगुण का पक्ष रखने के एक तरीके से प्रयास है। खैर इतने डिटेल में अगर आप इस डिटेल को पकड़ सकें और जहां कहीं भी निबंध में कुछ भी या कहीं आंसर में अगर आपको लिखने का अवसर मिले तो ये सब चीजें आपको नई बातें लगेंगी, तभी आप इसको पढ़ पाएंगे जब आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ने की कोशिश करें। तो जैसा मैंने कहा कि वो थ्योरी है ये प्रैक्टिकल है, तो कविताओं में आपको उन्हीं सारी बातों को जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रवृत्तियों में आप जो बात ने आपने जो देखा है उसी को व्याख्या आपको उसी हिसाब से करते चले जाना। इसी तरह रामचरितमानस है दोहा संख्या 75 से लेके अंत तक, पूरा दोहा संख्या 75 आपके सिलेबस में होगा आप देख लीजिएगा अंत तक, यानी पूरे रामचरित 75वां दोहे से लेके रामचरितमानस के जितने भी दोहे चौपाई हैं वो सब आपको सिलेबस में उसको आपको पढ़ना है। इसी तरह जायसी का पद्मावत है। तो जैसा मैंने बताया कि सूरदास हो गए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, तुलसीदास हो गए राम भक्ति शाखा के कवि, और जायसी हो गए सूफी काव्य परंपरा में प्रेम मार्गी
निर्गुण काव्य परंपरा के ये हो गए, निर्गुण के प्रेम मार्ग ये हो गया, सगुण के ये दोनों हो गए। अच्छा इसी तरीके से फिर आप आ जाइए नागमती वियोग खंड, ये भी उन्हीं का है। बिहारी संग्रह यानी बिहारी के बारे में जानते हैं, रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप रीति काल में भी तीन तरह के रीति के काव्य हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ये सब आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब उसके बाद आधुनिक काल में आ जाते हैं, कामायनी से जयशंकर प्रसाद की कामायनी और सुमित्रा नंदन पंत का तीन कविताएं हैं, नौका विहार, परिवर्तन, निराला। परिवर्तन, निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, ये निराला की कविता है। तो आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला, ये तीनों छायावादी कवि माने जाते हैं। छायावादी युग की क्या विशेषता ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर इसी तरीके से अज्ञेय, अज्ञेय जो है वो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जब आप इतिहास में पढ़ेंगे प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद क्या है जब आप ये समझ जाएंगे तो आप वो उस थ्योरी को असाध्य वीणा कविता में, और असाध्य वीणा कविता लंबे समय से आपके सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ी कठिन कविता मानी जाती है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले आपको प्रयोगवाद समझना होगा कि प्रयोगवाद की विचारधारा क्या है, अज्ञेय की विचारधारा क्या है, और कैसे उसको उन्होंने असाध्य वीणा कविता में पिरोया है, तो ये समझना जरूरी है। मुक्तिबोध, वैसे तो नई कविता के कवि माने जाते हैं लेकिन इनका विचारधारा प्रगतिवादी है, यानी ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है इनकी कविता अंधेरे में। इसी तरह नागार्जुन को ने नागार्जुन प्रगतिवाद के कविता माने कवि माने जाते हैं, बादल को घिरते देखा है और अकाल के बाद इनकी दो कविताएं पढ़नी। तो आपको आधुनिक साहित्य की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं उनके ही प्रतिनिधि कवि आपको मिल गए, और उनकी कविताओं को उसी आधार पर पढ़ के समझ लेना। अच्छा उसके बाद अन्य गद्य विधाओं में जैसे नाटक हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त। निबंध पढ़ना है, निबंध रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, कविता क्या है श्रद्धा और भक्ति। देखिए पहली बात तो यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने के निबंध के दो संग्रह माने जाते हैं, एक है चिंतामणि भाग एक और एक है चिंतामणि भाग दो। तो चिंतामणि भाग एक में जो है वो दो उससे दो निबंध लिए गए हैं, कविता क्या है श्रद्धा और भक्ति। तो कविता क्या है का मतलब ये है कि उसमें कविता के सारी व्याख्याएं की गई कि कविता कैसे बनती है, किसे कविता कहा जाना चाहिए, कविता के अलग अलग विशेषताएं क्या होती हैं, और श्रद्धा और भक्ति ये क्या है, ये मनोभाव संबंधी निबंध है। यानी जो लोग रामचंद्र शुक्ल को पहले पढ़े होंगे बीए एमए में उनको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे बहुत सारे निबंध लिखे हैं जैसे श्रद्धा और भक्ति, ईर्ष्या, और बहुत सारे इस तरह के निबंध हैं, क्रोध, यानी मनोभाव, मन के तरह तरह के भाव होते हैं उस पर रामचंद्र शुक्ल ने कई सारे निबंध लिखे हैं। तो उसी में से एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति, जिसमें श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर होता है इस विषय में उसके बारे में डिटेल चर्चा की है। तो वहां से आपको व्याख्या और उसके वहां से कुछ लाइनें आपको पढ़नी होगी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही फेमस निबंध है कुटज, ये आपको पढ़ना होगा। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान और फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास महिला आंचल, ये दो उपन्यास हिंदी के बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप गोदान और महिला आंचल तो पढ़ ही चुके होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादातर लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। और ये ऐसे उपन्यास हैं कि दो दो दिन में आप पढ़ जाएंगे, अगर एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, मतलब जब तक खत्म ना कर पाए तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। दो दो तीन तीन दिन में आप उपन्यास पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा हो तो उसको कृपया आप दोनों उपन्यास पूरा पूरा पढ़ जाइए, फिर उसमें से आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसके आंसर क्या होंगे जब इनसे सवाल पूछा जाएगा, उसके उपन्यासों की भावभूमि, उपन्यासों का विशेषता इस बारे में, उपन्यासों में से व्याख्या आएगी तब खुद समझ जाएंगे। इसी तरह से कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानी है माँ, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, अज्ञेय की रोज, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, और उषा प्रियंवदा की वापसी। तो इतने तरह की आपका ये आ गया सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको
सिलेबस की पूरी का ज्ञान हो गया होगा। अब मुझे लगता है कि जैसा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है पूरा कि सिलेबस इसमें से क्या क्या है, वैसे मेरा समय तो अब किसी को कोई अगर इसमें सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। सिलेबस के बारे में जो हमने डिस्कस करना था वो आज हम इतना इतनी बात कर चुके हैं, अगर इसमें किसी को कुछ सवाल हो, कुछ बात जाननी हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी को सवाल ना हो तो हम मीटिंग एंड करना चाहें तो बता दीजिए, मीटिंग एंड कर लिया जाए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर।